नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम शक्करपारी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगती है। दीपावली आ रही है तो शक्करपारे बनाना तो बनता है, तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। तो आधा किलो मैदा हमने छान करके रख लिया है, तेल और शुगर। चलिए हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। ये देखिए गैस में हमने ये बर्तन चढ़ा दिया है, इसमें डाल देंगे शुगर, अब इसमें डाल देंगे पानी और थोड़ा सा हम इसको गरम करेंगे। गैस को जलाएंगे और चम्मच से चला चला करके इसको शक्कर को घोल लेंगे अच्छे से। शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब इसे रख देंगे साइड में और ये एक बर्तन ले लेंगे, परात ले लेंगे और इसमें हम मैदा डाल देंगे और इसको कर देंगे इस तरीके से और यहीं पे डाल देंगे ये तेल, जो बचा हुआ तेल था उसको भी डाल देंगे। इसमें क्या है, मोवन जितना अच्छा रहेगा उतने ही अच्छे शक्करपारे बनते हैं। और हाथों से इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये दोनों हाथों से इस तरीके से इसकी गुठलियां फोड़ेंगे और अच्छे से इसको मसल लेंगे। ये मोवन हमारा बिल्कुल अच्छे से मिल चुका है, ये देखिए मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब ये मोवन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें अपना ये जो हमने शुगर को खोल करके रखा था इसका पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। हमको ज्यादा इसका ढीला नहीं डो लगाना है और पानी नहीं मिलाएंगे, नहीं तो फिर ये जो शक्कर पारे हैं ना वो फीके हो जाएंगे। हमने जो शुगर घोल के रखी थी उसी से इसका डो तैयार करेंगे। ये मैदे का डो लग करके पूरा अच्छे से तैयार हो गया है, अब हम इसको ढक करके रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। खोल करके चेक करेंगे 10 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा पूरा अच्छे से मुलायम हो चुका है। ये देखिए देखिए थोड़ा सा इस तरीके से हम इसको अच्छे से मसल देंगे, हम बड़ी बड़ी लोइयां तोड़ेंगे इस तरीके से। हम इसको तीन लोइयों में डिवाइड कर रहे हैं, अब हम इसको इस तरीके से गोल कर देंगे अच्छे से और इसे बेल लेंगे। आप चाहे तो इसमें सूखा आटा भी लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रही हूँ। इतनी बड़ी लोई, जितनी बड़ी लोई थी ना उसका इतनी बड़ी हमारी ये रोटी बन करके तैयार हुई है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे इतना मोटा है, ज्यादा मोटा नहीं चाहिए हमको, इतना ही चाहिए ये देखिए। और ये हम इस तरीके से कट लगाएंगे, और हम इस तरीके से इसको वो कर लेंगे और आप अपने हिसाब से छोटे बड़े पीसेस कट कर सकते हैं। ये देखिए इसके सारे पीसेस कट चुके हैं, आप अपने हिसाब से छोटे बड़े पीसेस कर सकते हैं, लेकिन ना शक्करपारे के पीसेस इतने ही अच्छे लगते हैं। और ये देखिए कितना मोटा है। गैस पे कढ़ाई रख दी है और तेल डाल दिया है, तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। ये आटे का छोटा सा टुकड़ा डाल करके चेक करेंगे कि तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। ये देखिए तेल गर्म हो गया है, अब हम गैस को मंद कर देंगे क्योंकि हमें मीडियम तेल चाहिए, ज्यादा तेल ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा नहीं चाहिए, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, उसी में शक्करपारे कहलाते हैं। अगर आप ज्यादा तेल गर्म कर देंगे तो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बहुत ही आराम आराम से इनको तलना होता है, जल्दबाजी में नहीं तला जाता है, बहुत इसको अच्छे से तलना होता है आराम से। ये शक्करपारे बिल्कुल परफेक्ट पक करके तैयार हो गए हैं, अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से। ये हमारे शक्करपारे पूरे परफेक्ट पक करके तैयार हो गए हैं, इसी तरीके से हम सबको पका लेंगे आराम से। ये हमारे शक्करपारे बन करके तैयार हो गए हैं, बनाने में बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।